रात भर घर नहीं आया ऐसा। आ जाएंगे दादू, पहले भी तो नाराज होकर चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं, अब फिर वापस आ जाएंगे। पहले इतना कुछ कहा भी तो नहीं था मैंने जो आज कह दिया। हाँ शायद इस पर आपने ज्यादा डांट दिया, लेकिन इन रिश्तों के लिए मैं अपने रब को नाराज तो नहीं कर सकती थी। ये रिश्ते तो लहर में उतारते हैं फिर पलट के देखते भी नहीं, लेकिन हमें जाना तो अपने रब के पास ही, उसके सामने सुरखरू रहना चाहती, इसलिए मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, आपने रात को भी खाना नहीं खाया था, मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा, जब चाहेगा तो तुमसे कह दूंगी। जी। तुमने तो मुझे वार्न किया था ना कि तुम्हें दोबारा फोन ना करूं, तो आज खुद कैसे कर लिया? सिद्रा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, फोन मत बंद करना प्लीज। सिद्रा देखो आई एम रियली सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम किस परेशानी से गुजर रहे हो, बहुत खुद गर्ज हो गया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया तुम कितनी मुश्किल से दोचार हो, और कहीं ना कहीं हम दोनों एक ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। नहीं ऐसा, हम एक तरह की प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहे, तुमने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, मेरे हाथों वो गुनाह हो गए जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। हालांकि तुमने जो कुछ किया जानबूझ के किया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, और जो हो गया सो हो गया, अब इस मुश्किल से कैसे निकलना है ये सोचना होगा ना। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ सुद्रा, ताकि मिलके इस मसले का हल निकाल सके। मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ मिलना तो दूर की बात है, भरोसा भी नहीं कर सकती। सत्रा मैं बहुत बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ मैं, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, एक बार मुझसे मिल लो प्लीज, फिर उसके बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा कर लूंगा, लेकिन एक बार मुझसे मिल लो प्लीज। कहाँ मिलना है? मैं तुम्हें जगह बता दूँ, तुम प्लीज वहां आ जाना।